जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव के पांचवें दौर के लिए मतदान जारी। दोपहर 2 बजे तक होगी वोटिंग। जम्मू कश्मीर में डीडीसी के 37 सीटों के लिए वोटिंग। 299 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। आज जम्मू में डीडीसी के लिए 20 सीटों पर मतदान। सुरक्षा के सख्त इंतजाम। वोटिंग से पहले सज्जाद लोन ने उरी में पैसे बांटने वाले मसले को उठाया। कहा छिपाने की हो रही कोशिश, दखल दें एलजी। एलओसी पर पाकिस्तान की कायराना हरकत। मनकोट और कृष्णा घाटी में भारी हथियारों से फायरिंग। भारत ने दिया करारा जवाब। किसानों ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव को खारिज किया। बोले कृषि कानून के रद्द होने तक जारी रहेगा आंदोलन। किसानों ने आंदोलन तेज करने की दी चेतावनी। बोले दिल्ली की घेराबंदी के लिए जयपुर दिल्ली हाईवे पर होगा चक्का जाम। 12 दिसंबर को देश भर के टोल प्लाजा फ्री कराएंगे किसान। 14 दिसंबर को होगा धरना प्रदर्शन। किसानों ने बीजेपी के मंत्री और नेताओं के घेराव की दी चेतावनी। बोले सरकार को वापस लेना होगा तीनों कानून। ड्राफ्ट भारत सरकार ने दिया था, वो ड्राफ्ट हमको मान्य नहीं है। 3 बिल हैं, उनके बिल वापसी नहीं होते। यह आंदोलन जब तक जारी रहेगा। किसानों के मसले को लेकर राष्ट्रपति से मिले विपक्ष के नेता। राहुल गांधी और शरद पवार के साथ लेफ्ट और डीएमके के नेता रहे मौजूद। विपक्षी नेताओं ने राष्ट्रपति के सामने रखी किसान कानून को वापस लेने की मांग। कहा किसानों की बात नहीं सुन रही है सरकार। सोचना चाहिए कि किसान हट जाएंगे, डर जाएंगे। किसान, हिंदुस्तान का किसान डरेगा नहीं, हटेगा नहीं, जब तक ये बिल रद्द नहीं कर दिया जाए। किसानों के प्रस्ताव खारिज करने के बाद सरकार ने फिर शुरू की माथा पच्ची। गृह मंत्री अमित शाह से मिले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। किसानों को भेजे प्रस्ताव में कानून के संशोधन के लिए तैयार थी सरकार। एपीएमसी को मजबूत बनाने का दिया था भरोसा। आज किसानों के आंदोलन का 15वां दिन। दिल्ली के चारों ओर बॉर्डर पर डटे हैं आंदोलनकारी। वक्त बीतने के साथ बढ़ता जा रहा है किसानों का उत्साह। सिंघू बॉर्डर पर घूम घूम कर नारे लगा रहे हैं किसान। सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन की जगह से आई अनूठी तस्वीर। सेहत ठीक रखने के लिए आंदोलनकारियों ने बनाया जिम। ठंड में सड़क पर रात बिताने की वजह से खराब हो रही किसानों की तबीयत। सिंघू बॉर्डर पर किया गया मेडिकल कैंप का इंतजाम। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा। कृषि कानून रद्द करने की मांग पर अड़े हैं किसान। दिल्ली के चीला बॉर्डर पर जमे हैं प्रदर्शनकारी। आंदोलन से पीछे हटने को नहीं है तैयार। बहादुरगढ़ बाईपास पर किसानों ने सड़क किनारे डाला डेरा। 25 किलोमीटर इलाके में जमे हैं किसान। दिल्ली के बुराड़ी में किसानों का जमावड़ा। कानून वापस लिए जाने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान। किसान आंदोलन के बीच केंद्रीय मंत्री राज साहब दानवे का अजीबोगरीब दावा। कहा आंदोलन के पीछे चीन पाकिस्तान का हाथ। राज साहब दानवे की टिप्पणी पर किसानों ने जताई नाराजगी। बोले मंत्री को सोच समझकर बोलना चाहिए। किसान आंदोलन के बीच सरकार ने जारी किया 6 पन्नों का बुकलेट। किसान और गांव को लेकर मोदी सरकार के कामों का जिक्र। किसान आंदोलन को लेकर सीएम गहलोत का मोदी सरकार पर हमला। कहा अगर किसानों से पहले संवाद किया होता तो 10 केंद्रीय मंत्रियों और राज्यों के मुख्यमंत्रियों को नहीं उतारना पड़ता। अकोला में किसान कानून के विरोध में प्रदर्शन। भैंस के सामने बीन बजाकर सरकार को घेरा। पुलिस के एक फोन ने कर दिया कमाल। साहूकार के पास गिरवी पड़ी 7 लाख रुपए की जमीन किसान को मिली वापस। दिल्ली की ठंड में डटे किसानों की मदद के लिए उतरी महिलाएं। स्वेटर, टोपी और मोजे बनाने का किया काम। बदलने वाली है संसद भवन की तस्वीर। आज प्रधानमंत्री रखेंगे नए पार्लियामेंट की आधारशिला। दोपहर 1 बजे नए संसद भवन का भूमि पूजन। 971 करोड़ की लागत से बनेगा भव्य संसद भवन। दोपहर 1:30 बजे होगी सर्वधर्म प्रार्थना। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी देंगे वेलकम स्पीच। दोपहर 2:15 बजे होगा प्रधानमंत्री का संबोधन। टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को मिलेगा ठेका। नए संसद भवन में लोकसभा सांसदों के लिए 888 सीटें। राज्यसभा में 326 सांसदों के लिए होगी जगह। कोलकाता में जेपी नड्डा ने किया ममता सरकार को खार फेंकने का दावा। कहा बंगाल में 200 सीटें जीतेंगे। 2021 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 200 सीट पार करेगी और सरकार बनाएगी। इस बात को हमको जेपी नड्डा ने ममता के गढ़ भवानीपुर में किया डोर टू डोर कैंपेन। और नहीं अन्याय नाम से चलाया अभियान। नड्डा को अचानक देख हैरान हुए लोग। कुछ ने सुनाई तकलीफ तो कुछ ने कहा यही रहे तो बनेगी बात। ममता बनर्जी के समर्थन में उतरे शत्रुघ्न सिन्हा। ट्वीट कर दुआरे सरकार अभियान की तारीफ। कल अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फेस्टिवल को संबोधित करेंगे पीएम। इस बार वर्चुअल मोड पर आयोजित होगा समारोह। अफसरों की बैठक में कलेक्टर और एसपी पर भड़के सीएम शिवराज। कटनी के कलेक्टर का किया तबादला। व्यापारियों को सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की खरी खरी। कहा वोट देकर आप किसी को खरीद नहीं लेते बल्कि उसे काम के लिए चुनते हैं। पटना के मेडिकल कॉलेज में 260 दिन के से शुरू होगी क्लास। एनएमसीएच और पीएमसीएच पे कोविड टेस्ट के बाद छात्रों की एंट्री। दिल्ली में प्राइवेट अस्पतालों में आईसीयू बेड को लेकर आदेश पर विचार। 33 अस्पतालों ने हाईकोर्ट में कहा आधे आरक्षित बेड खाली। कोरोना वैक्सीन को लेकर भारत ने दुनिया को दिखाया दम। हैदराबाद में भारत बायोटेक के लैब में पहुंचे 64 देशों के डिप्लोमैट्स।
हैदराबाद के जिनोम वैली में तैयारियां देखकर हैरान रह गए दुनिया भर के राज्य ने कहा काफी आगे आ गया है हिंदुस्तान। एक्टिव मरीजों के मामले में नौवें पायदान पर पहुंचा भारत, दो दिन के अंदर दो सीढ़ी नीचे खिसका 18,000 से ज्यादा घटे केस। भारत में ठीक हो चुके हैं 94.64% संक्रमित, केवल 3.87% मरीज का चल रहा है इलाज। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 31,000 से ज्यादा नए मामले, 97,67,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 412 की मौत, अब तक 1,41,000 की जा चुकी है जान। देश में पिछले 24 घंटे में 37,000 से ज्यादा की रिकवरी, अब तक 92,53,000 से ज्यादा की हो चुकी है रिकवरी। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के करीब 3200 नए मामले, 5,97,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। महाराष्ट्र पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,000 से ज्यादा नए मामले, 15,59,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। दिल्ली एयरपोर्ट पर कोविड वैक्सीन के ट्रांसपोर्ट को लेकर खास तैयारियां, तैयार किए गए कार्गो विमान। मुक्तसर में परिवार ने शादी समारोह के दौरान घर के बाहर लगाई दान पेटी, शगुन की जगह किसानों को दान देने की अपील। रामपुर में मेडिकल फिटनेस के लिए रिश्वत लेते वीडियो वायरल, 3 कर्मचारियों की सेवा समाप्त। मुंबई में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर हादसा, कार में लगी आग। बिहार के मुजफ्फरपुर में महिला के साथ दरिंदगी, किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं। बिहार के मुजफ्फरपुर में ठंड का कहर, धुंध से बढ़ा प्रदूषण। राजस्थान के 12 में रिश्वत लेते पकड़ा गया कलेक्टर का पीए, मुख्यमंत्री ने कलेक्टर इंद्र सिंह को हटाया। पेट्रोल पंप की एनओसी जांच के लिए कलेक्टर के पीए ने बतौर रिश्वत 1,40,000 रुपए लिए, एंटी करप्शन ब्यूरो ने रंगे हाथ किया गिरफ्तार। मानसा के पास रेलवे पटरी टूटने से टला बड़ा हादसा, झटके के साथ गुजर गई असम एक्सप्रेस। रेलवे ने दिए पटरी टूटने की जांच के आदेश, कुछ समय पहले मिली थी टूटी पटरी। झारखंड के मुगमा कोल माइंस में फंसे दो मजदूर, 48 घंटे बाद भी कोई अतापता नहीं। पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज़फ़ायर, एलओसी पर पुंछ सेक्टर में भारी गोलाबारी। पंचकोशी यात्रा को लेकर बक्सर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का दिखा लिट्टी प्रेम, जनता के बीच सेकने लगे लिट्टी। देहरादून थाने में अपना राज्य का पहला बाल सुधार गृह, ना दिया गया बाल मित्र सुधार गृह। 8 फीट लंबा किंग कोबरा देखकर हड़कंप, वन विभाग ने किया रेस्क्यू। मुंबई में नकली मोबाइल बैटरी और एयरपीस रैकेट का भंडाफोड़, बड़ी कंपनियों के नाम से वारंटी कार्ड के साथ बेचते थे। दिल्ली डबल मर्डर से हड़कंप, बुराड़ी में बदमाशों ने दो युवकों को मारी गोली, आपसी रंजिश का शक। दरभंगा में दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में डकैती, हथियारों से लैस डकैत 5 करोड़ के गहने ले उड़े। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, चेहरे पर मास्क के कारण किसी की नहीं हो सकी पहचान। आजमगढ़ में बार बालाओं का अश्लील डांस, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। आगरा में शादी में हर्ष फायरिंग में फंसे दुल्हन के पिता, पुलिस ने किया गिरफ्तार। झारखंड के दुमका में दरिंदगी, पति को बंधक बनाकर महिला से सत्रह हैवानों ने किया गैंगरेप। यूपी के जालौन में 5 साल की बच्ची से दरिंदगी, पकड़े गए दोनों आरोपी नाबालिग। बरेली में खनन माफिया की गुंडागर्दी, भरी ट्रॉली में एसडीएम को कुचलने की कोशिश, आरोपी गिरफ्तार। देवबंद के राजपुर में नजम नाम से आतंकी से परेशान एक परिवार गांव छोड़ने को मजबूर, घर की दीवारों पर लिखाया ये मकान बिकाऊ है। दहेज न पूरा मिलने पर शादी छोड़कर फरार हुआ दूल्हा, नहीं पूरे हुए फेरे। चेन्नई एयरपोर्ट से 1.5 किलो सोना जब्त, बाजार में भाव 59 लाख। जेवर से अगवा हुआ युवक बरामद, पुलिस ने तीनों किडनैपर्स को दबोचा, 1 करोड़ की मांगी फिरौती। रजौरी में 2 दुकानों भीषण आग, 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया जा सका काबू। 2 कारों में हुई भीषण भिड़ंत, पीएसआई के साथ 5 पुलिस कर्मचारी गंभीर रूप से जख्मी। डिवाइडर से में चढ़ी कार तेज रफ्तार से आ रही थी, शादी समारोह से लौटते वक्त हुआ हादसा। दबंगों ने दलित दूल्हे को घोड़ी से उतारा, पेट्रोल से जलाकर मारने की दी धमकी। पटना पुलिस ने सिपाही भर्ती के 50 अभ्यर्थियों को किया गिरफ्तार, परीक्षा में अपनी जगह किसी और को बिठाने का आरोप। हापुड़ में शादी समारोह के दौरान दरोगा के बेटे की दादागिरी, मैरिज होम के संचालक की जोरदार पिटाई। जम्मू कश्मीर के रामबन में सेना की पहल, मेडिकल कैंप का आयोजन। अमृतसर में लूटपाट गैंग का भंडाफोड़, चोरी की 2 गाड़ियों के साथ 6 आरोपी गिरफ्तार। ऑपरेशन के दौरान गर्भवती महिला की मौत के बाद हंगामा, क्लिनिक में ताला बंद कर फरार डॉक्टर। अस्पताल में महिला की मौत के बाद भड़के परिजन, अस्पताल पर लापरवाही का आरोप। कश्मीर के गुलमर्ग में भारी बर्फबारी, पारा 0 से नीचे पहुंचा। बाराबंकी में भीषण ठंड, धान लदी ट्रॉलियों के साथ सैकड़ों किसान परेशान। दरभंगा की सड़क पर दिखने लगा सर्दी का सितम, कड़ाके की ठंड के बीच अलाव बना सहारा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।